इतने सारे आईपैड या फिर डिवाइसेस परचेस करने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कौन सा फेवरेट डिवाइस है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है। और सेम चीज हुआ मेरे साथ भी, क्योंकि अगर पसंद ही नहीं होता आईपैड तो इतना सारा आईपैड में परचेस करता ही नहीं। तो इतना सारा आईपैड परचेस करने के बाद फाइनली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा आईपैड मेरा फेवरेट है। और ये चीज अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर में, तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा कि आईपैड मिनी 6 को मैं बहुत ही ज्यादा आगे रखता हूँ सारे आईपैड में। जितने भी आईपैड मैंने परचेस किया उससे तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा आगे रखता हूँ। और इसका आंसर भी मैं आज का वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ कि एक गेम खेलते टाइम एक ऐसा मोमेंट भी आता है जिस वक्त इम्पॉसिबल था कि मेरे लिए चिकन डिनर करना, लेकिन स्टिल मैं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में था आईपैड मिनी 6। और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिलता है ना, काफी ज्यादा अच्छा है। और बस परफॉर्मेंस के मामले में नहीं, परफॉर्मेंस के मामले में तो सारे आईपैड अच्छे हैं, लेकिन इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है और जितना ज्यादा कंफर्टेबल है वो सबसे इसको आगे रखता है। और ऑनेस्टली वो अगर गेम प्ले आप लोग जब देखोगे ना, तब आप लोग खुद ही बोलोगे कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है कि आईपैड मिनी 6 बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए इतना अच्छे से ये खेल पाता है। क्योंकि सपोज आईपैड मिनी 6 का बात छोड़ ही दो, जितने में मेरे पास बाकी और आईपैड है, आईपैड मिनी 5 या फिर आईपैड एयर 5, आईपैड 9 जनरेशन और एयर 5 का केस में है कि ये दोनों आईपैड ही बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रैक्टिस करूंगा तो उसमें भी आदत हो जाएगा, लेकिन जो जायरोस्कोप कंट्रोल होता है ना वो इतना अच्छे से नहीं होगा क्योंकि वो दोनों डिवाइस बहुत ज्यादा बड़ा है। और आईपैड मिनी 5 ऑलरेडी बहुत पुराना है, लेकिन मैं ये वाला आईपैड को बस एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ, वॉइस ओवर करने के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 3.5 का हेडफोन जैक है जो बाकी 3 और आईपैड में देखने को नहीं मिलता। हाँ 9 जनरेशन में देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल मैं आईपैड मिनी 5 को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक पावरफुल वाला एक डिवाइस है। और आप में से किसी बंदा तो बोल रहा होगा कि यार तू जल्दी दिखाना, कब से बोले जा रहे हैं। हाँ हाँ आप लोग को दिखाऊंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, आप लोग को पूरा ही गेम प्ले दिखाऊंगा, उस मोमेंट को भी दिखाऊंगा अच्छे से। मैं कुछ दिनों से पबजी फिर से खेल रहा हूँ ना, तो मेरा जो रिफ्लेक्सेस या फिर जो रिएक्शन टाइम है वो और भी थोड़ा सा इंप्रूव होना बाकी है, तभी आप लोग का हैंडकैम वीडियो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हैंडकैम वीडियो का बहुत सारे फैन है, हैंडकैम वीडियो देते ही आप लोगों का मतलब इंटरेस्ट हाई पे चला जाता है। और मैंने कम्युनिटी टैब में भी आप लोगों से पूछा था कि आप लोग को कौन सा गेम प्ले देखना पसंद है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने हैंडकैम वीडियो को रिकमेंड किया या फिर वोट किया। और अगर आपको भी वोट करना है तो कम्युनिटी टैब में जाके मेरा चैनल पे, वहां पर आप लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। लेकिन हैंडकैम वीडियो ना देखने का एक और मेरे पास रीजन है कि मेरे पास जो मोबाइल होल्डर था ना जिससे मैं हैंडकैम रिकॉर्ड करता हूँ, वो कोलकाता में रह गया। और अभी के टाइम में मैं घर पे रहूं, तो घर पे मेरे पास कोई से भी मोबाइल होल्डर नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया, कुछ दिनों के बाद ही वो आ जाएगा, 2-3 दिन बाद ही आप लोगों को हैंडकैम वीडियो देखने को मिल जाएगा। और तब तक मेरा जो प्रैक्टिस है वो भी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो बस कुछ ही दिनों के लिए रुक जाओ। अभी जिस मोमेंट का मैं बहुत टाइम से बात कर रहा था ना, वो मोमेंट आ गया है। मेरे पीछे एक डांसिंग लायन पड़ा है, बेसिकली ये एक व्हीकल है नया वाला मोड में, और इस व्हीकल पे 2 बंदे मैक्सिमम बैठ सकते हैं, लेकिन इस व्हीकल से आप लोग फायर नहीं कर सकते। तो ये 2 बंदे को मारने के लिए मैं स्कूल के पास ही मेरे जो बग्गी था उसको रोक देता हूँ। और मारने के बाद ये 2 बंदे का नाम जैसे ही देखा, भाई ये 2 बंदा ना किल फीड में बहुत टाइम से आ ही रहा था भाई, बहुत बंदे को मारा ये 2 बंदे ने। और ऊपर से ये 2 बंदे का नाम तो भाई उर्दू में था, भाई देख के ही लग रहा था कितना खतरनाक बंदा होगा। जैसे ही ये 2 बंदे को फिनिश कर तो और 2 बंदा पुश कर देता है, और ये 2 बंदे को मारने के बाद मैं जोन के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन जोन में घुस के ही मैं ये 2 घरों में रुकता हूँ, लेकिन मेरे सामने वाला जो 2 बानाउस है ना, वहां पर बहुत टाइम से फाइट चल रहा था, और पूरा फाइट होके वहां पर एक ही स्क्वाड बचता है जिनको जोन में आना था, क्योंकि जोन वो 2 सामने वाला जो बानाउस था वहां पर नहीं बना था। और अभी बस हम लोग 4 ही बंदे बचे, मैं अकेला और सामने वाला स्क्वाड में 3 बंदे। वो 3 बंदे गाड़ी लेके मेरे पे पुश भी करता है, भाई मैं कितना ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन एक भी बंदा नॉक नहीं हुआ। भाई इतना ज्यादा डैमेज दिया ना, वो जो स्क्वाड तो मेरे पे पुश करने आ रहा था, वो गाड़ी घुमा के सीधा हिल पे चला गया। तो इसीलिए मैं सामने वाला घर पे चला गया जहां से पूरा हिल आराम से दिखेगा और मैं 1-2 बंदे को नॉक भी कर सकता हूं। लेकिन तब तक जोन भी श्रिंकिन हो रहा था और लास्ट वाला जो सर्कल था वो मेरे पे बना ही नहीं। सामने वाला जो टावर था बस वही थोड़ा सा जोन में था, और वो 3 बंदे के पास तो जोन था ही, तो मुझे सामने वाला टावर पे किसी भी तरीके से पहुंचना था। और मैं जो डांसिंग लाइन सेट था उसको पहन लिया और मैं जोन पे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं ये वाला जो सेट था इससे उतरता हूं, मेरा हिल देख लो भाई कितना ज्यादा कम हो गया, और 1 बंदा तो भाई टावर के पास ही कैंप करके बैठा था, मेरे लिए वेट कर रहा था कि कब मैं आऊं।
इस बंदे को तो भाई जैसे तैसे करके मारा, लेकिन और जो दो बंदे था इस स्क्वाड का वो जोन में मेरे लिए वेट कर रहे थे भाई। वो दोनों के पास कितना अच्छा सा स्पेस था, लेकिन इसके बाद भी जो जोन बना ना वो भी मेरे पास नहीं बना भाई, वो भी आगे बन गया। और वो दो बंदे भाई लेट लेट के लेजर स्प्रे कर रहा था भाई, तो इसीलिए मैं सोचा छोड़ो अभी डैमेज नहीं लेते, जितने भी मेरे पास स्मोक है सारा स्मोक को मैं कर देता हूँ, फिर वही जो मेरे पास डांसिंग लाइन सेट है ना उससे मैं जल्दी से हिल पे चले जाता हूँ। लेकिन हिल पे तो मैं चला जाऊंगा, वो दो बंदे का एग्जैक्ट पोजीशन मुझे ऊपर जाके नहीं पता होगा, तो इसीलिए मैं हिल से भी सबसे ज्यादा जो ऊपर वाला हिस्सा था ना जहाँ से नीचे आराम से मैं देख सकता हूँ वहां पर जाके मैं रुका, और वहां पर मैं कुछ देर के लिए प्रोन हो गया कि वो लोग का जो पोजीशन है वो मुझे पता चले, और जैसे ही एक बंदे का पोजीशन मुझे पता चलता है मैं अगर उसको नॉक कर दूं तो उसका आगे वाला बंदा जरूर पैनिक होगा। iPad Mini 6 में hip fire काफी ज्यादा अच्छा होता है, शायद इसीलिए मैं जो लास्ट वाला बंदा था उसको मार पाया। और आगे भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया हैंडकैम वीडियोस और PUBG का गेम प्ले तो आने वाला है, इसीलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।